वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं वर्कशीट नंबर 23 जो कि है 31 जुलाई 2020 की। यह 6 to 8 के स्टूडेंट्स की वर्कशीट है। इसके अंदर हम पहले इंग्लिश और फिर इसी वर्कशीट को हम हिंदी में भी देखेंगे। आइए चलते हैं, पहले इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। बोथ माई सिस्टर एंड मी लव टू ईट फ्रूट्स। वी ईट पाइनएप्पल, मौसमी, जामुन, लीची एक्सेट्रा ऑन रेगुलर बेसिस एज दे आर रिच इन विटामिन सी। सो जैसे कि हम पहले से ही जानते हैं कि विटामिन सी से भरे हुए जो फ्रूट्स हैं वो पाइनएप्पल, मौसमी, जामुन और लीची हैं। और यहाँ पर जो एक स्टूडेंट है वो अपने बारे में बता रही है और उसकी सिस्टर, दोनों को ही फ्रूट खाना पसंद है। उम्मीद करता हूँ आपको भी पसंद होगा। विच इंक्रीजेज अवर इम्यूनिटी, इसका मतलब हो गया कि जिससे हमें शक्ति मिलती है कोई भी रोग होते हैं, कोई भी बीमारी होती है, उससे बचने की। एंड सेव अस फ्रॉम कोरोना, आज की डेट में कोरोना बहुत ही ज़्यादा फैल रहा है, इससे बचने के लिए हमें विटामिन सी से भरे हुए फ्रूट खाने चाहिए, जैसे कि पाइनएप्पल, मौसमी और लीची हो गए। तो इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस भी नीचे दिए गए हैं, एक चार्ट भी दे रखा है। आइए चलते हैं, उसको देख लेते हैं। इस चार्ट में आपको फ्रूट्स का रेट दे रखा है और नीचे कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं। एक एक करके चलो क्वेश्चंस के आंसर्स भी देख लेते हैं, उसी के साथ साथ रेट भी देख लेंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3 kg मैंगोज एंड 1 kg एप्पल। यहाँ पर जो एंड का मतलब है, एंड का मतलब हो गया प्लस। हमें जो वैल्यू 3 kg मैंगो की है और 1 kg एप्पल की है, उन दोनों की वैल्यू को प्लस करना होगा। यहाँ पे 3 kg मैंगो, मैंगो का रेट है 40 rupees एंड 1 kg एप्पल्स का हो गया यहाँ पे 120 rupees। हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 120 आ जाएगा प्लस 120 इक्वल्स रुपीज 240। तो ये आपका पहले का आंसर हो गया। वर्किंग जरूर दिखाएं, आपको भी समझ में आएगा। ये वर्कशीट वैसे इंग्लिश में है लेकिन ये चार्ट इन्होंने हिंदी में ही दे रखा है, तो घबराए नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ मच डिड द फादर पे फॉर 600 ग्राम ऑफ लीची। तो यहाँ पर लीची की जो कॉस्ट है वो 70 रुपीज प्रति किलो है, मतलब पर केजी। तो यहाँ पे केजी में दे रखा है, बट हमारा आंसर जो हमें चाहिए वो 600 ग्राम में चाहिए, ग्राम। तो हमें सेम यूनिट चाहिए होगा। तो कॉस्ट ऑफ 1000 ग्राम ऑफ लीची इक्वल्स टू रुपीज 70, क्योंकि 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम। अब हमें चाहिए 600 ग्राम, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको 1 ग्राम की कॉस्ट निकालेंगे। 1 ग्राम ऑफ लीची इक्वल्स टू 7/1000, तो ये यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा। 600 ग्राम ऑफ लीची हो गया, जो भी यहाँ पर आंसर आया 7/1000 इंटू 600 कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 42 रुपीज। इसको मैं और एक तरीके से करूंगा जब मैं हिंदी का एक्सप्लेनेशन करूंगा, तो जरूर देखें उस पार्ट को भी ताकि आपको और एक तरीका पता चले कैसे करने का। ये जो तरीका अभी हमने देखा है इसे कहते हैं यूनिटरी मेथड। तो आइए चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में है, हाउ मच इज द अनार डियर टू गुआवा। डियर टू गुआवा का मतलब हो गया अनार का जो रेट है वो गुआवा से कितना ज्यादा है। अनार का रेट 90 रुपीज है और गुआवा का रेट जो है वो 25 रुपीज है। तो हम क्या कर देंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 90 - 25 रुपीज 65, तो यहाँ पर आ जाएगा 65 रुपीज। तो नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मच डिड 5 kg ऑफ पाइन एप्पल कॉस्ट। तो 5 किलो का मांगा है, तो 5 kg ऑफ पाइनएप्पल, पाइनएप्पल का रेट कितना है 80 रुपीज पर केजी, तो 5 × 80 हो गया 400 रुपीज। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हाउ कैन वी ट्रीट अ कोरोना इफेक्टेड पर्सन एट होम, प्लीज राइट इन योर ओन वर्ड्स। तो आप पहले तो अपने वर्ड्स में आप खुद लिख सकते हैं, मैंने एक सिंपल आंसर दे रखा है, आप वहां से अपना आंसर मॉडिफाई कर सकते हैं अगर आपको कुछ रह गया हो तो। तो आंसर है, वी शुड गिव विटामिन सी रिच फूड सच एज पाइनएप्पल, मौसमी, जामुन, लीची, विच इंक्रीजेज अवर इम्यूनिटी एंड सेव अस फ्रॉम कोरोना। सो ये तो होगी इंग्लिश की वर्कशीट, आइए चलते हैं सीधा हिंदी की वर्कशीट पे। सो हिंदी की वर्कशीट भी वर्कशीट नंबर 23 है और सब कुछ सेम है इसके अंदर। इसके अंदर भी सेम ही चीज बोली है उन्होंने कि विटामिन सी से भरे हुए हमें फल खाने चाहिए। आइए चलते हैं, क्वेश्चंस किस तरीके से करने हैं वो देख लेते हैं। उत्तर नंबर 1 भी एकदम सेम है, तो उसमें आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है।
उत्तर नंबर एक में एक चीज इन्होंने डिफरेंट करी है, यहाँ पर 2 किलो आम बोला है। पिछले इंग्लिश वाली ऑप्शन में उन्होंने 3 किलो आम लिखा हुआ था, तो आप यहाँ पर 2 किलो आम के लिए क्या कर देंगे, 2 × 40 कर देंगे, 2 × 40 + 1 × 120, तो आंसर आ जाएगा 200 रुपीज। उत्तर नंबर दो, पापा ने 600 ग्राम लीची कितने रुपए में खरीदी? तो इसको मैं दूसरा तरीका बता देता हूँ। 1000 ग्राम लीची हो गया 70 रुपए की, तो मैं क्या करूंगा, 600 को दो चीजों में बांट दूंगा, एक 500 ग्राम और एक 100 ग्राम। तो पहले 100 ग्राम का ढूंढ लेते हैं, अगर 1000 ग्राम 70 की, तो 100 ग्राम कितने की हुई, 7 रुपए, तो यहाँ से 0 और यहाँ से 0 कट जाएगा। 500 ग्राम कितने की हुई, अगर 1000 का आधा करें 500, 70 का आधा करेंगे तो 35 रुपए, तो मेरे पास मिलके 500 ग्राम की कॉस्ट और 100 ग्राम की कॉस्ट। 600 ग्राम के लिए मैं क्या कर दूंगा, 500 ग्राम और 100 ग्राम की कॉस्ट को ऐड कर दूंगा, तो आंसर आ जाएगा 42। आपको जो मेथड समझ में आए आप उस मेथड से इसको कर सकते हैं। उत्तर नंबर तीन और प्रश्न नंबर चार भी एकदम सेम है, तो वो मैंने यहाँ पर शो कर दिया है आपके लिए। चलते हैं पांचवे के लिए, वहां पे भी लिखा है कोरोना से बचने के लिए आप क्या करें। तो हमें विटामिन से भरपूर भोजन देना चाहिए, जैसे कि अनानास, मौसमी, जामुन, लीची, जो हमारे प्रतिरक्षा को बढ़ाते हैं, मतलब इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं और कोरोना से बचाते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज की वर्कशीट आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाएगी हमारी नेक्स्ट वर्कशीट की। तो आज की वर्कशीट के लिए इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।